हो oh गया yeah. जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद भाई अरे प्रभु गलती हो गई भाई अभी आप ही के सेवा में था अभी पांच मिनट पहले क्लास खत्म हुई क्वेश्चंस लगाएगा टेक्निकल चीज है ऐसा कहेंगे तो पाप लगेगा रामचरण जी राम नाम इतना सुंदर है आपका रामचरण जिसकी हम लोग पूजा करते हैं रामचरण तो उसके बाद ऐसे गुरु को कहेंगे तो बहुत पाप लगेगा गांव में कहते हैं ना कि रोहा जलता है तो भाई, अरे पांच मिनट पहले तो क्लास छोड़े हैं भाई क्वेश्चंस लगाएगा कुछ प्राकृतिक जरूरी चीजें भी होती है वो भी करना पड़ता है क्योंकि ऑफलाइन क्लास तो है नहीं कि सवाल देकर के बाहर निकल गए कंटिन्यू बक 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 करना, करते रहना पड़ता तो सांस भी लेने का टाइम देंगे कि ना देंगे ठीक तो ऐसे कैसे तो ऐसा इतना अपने शब्दों को वापस ले तो मुझे खुशी होगी मतलब कम से कम ये इल्जाम हम पे तो कोई नहीं लगा सकता है पिछले सताईस अट्ठाईस साल के कैरियर में कि ने क्लास लेट लिया किसी और वजह से लेट हो जाए साल में दो चार दिन हो जाए इमरजेंसी वो अलग बात है छह की क्लास यहाँ होती है मैं सारे पांच पौने छ बजे यहाँ उपस्थित रहता हूं अब टेक्निकल चीजें है एक क्लास के बाद दूसरी क्लास में पांच सात मिनट टाइम लगता है ऐसे तो ये जुलम तो ना करें भाई <laughs> <laughs> YouTube पे ही चल रहा था प्रभु रामचरण जी कहीं और नहीं चल रहा था YouTube पे ही चल रहा था छह से आठ भी YouTube पे ही ले रहे थे सात से आठ भी आप ही लोग की सेवा में YouTube पे ही पढ़ा रहे थे क्योंकि ऐप पे तो क्लास चली ही नहीं भाई <laughs> चली ऐसा जुलम ना करें भाई <laughs> चलिए आवाज हुआ सब सुनाई दे रही है जल्दी बताइए <laughs> चलिए हो गया हाँ तो ये हो गया ना कि दिल तोड़ के मेरा हंसते हो वफाएं मेरी याद करेंगी वही वाला गाना गाएंगे अब दिल तोड़ देंगे तो और क्या करेंगे चलिए आवाज सुनाई दे रहे जल्दी बताइए क्वेश्चंस पे आ जाएं जल्दी से चलिए बाकी सब कहानी है कितनी बार आज बता चुके हैं चलिए आगे समीकरण रूट एक्स प्लस वन माइनस रूट एक्स माइनस वन रूट अंडर फोर एक्स माइनस कि कुल कितने हल संभव इसके नंबर ऑफ सॉल्यूशन की बात कर रहा है कितने नंबर ऑफ सॉल्यूशन कह रहा है जीरो होगा एक होगा दो होगा या दो से ज्यादा होगा हलों की संख्या पूछ रहा है नंबर ऑफ सॉल्यूशन पूछ रहा है और नंबर ऑफ सॉल्यूशन के क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर पूछते हैं नंबर चाहे वो ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन का हो एल्जेबरी का हो लॉग का हो हमारा <coughs> ऐप में अनीता जी थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई है कमेंट सेक्शन में ठीक उसको बना रहे हैं इसलिए तो यूट्यूब पे आज पढ़ा रहे हैं यूट्यूब पे या टेलीग्राम पे चल पा रहा कि कमेंट ऐप पे क्लास तो चल सकती है कमेंट आप नहीं कर पाएंगे कमेंट सेक्शन में थोड़ी सी प्रॉब्लम है आपको <coughs> इसलिए <coughs> क्या हो जाएगा इसको अगर हम करें तो स्क्वायर तो करना ही पड़ेगा तो एक्स प्लस वन प्लस एक्स माइनस वन माइनस टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन और फोर एक्स माइनस वन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा फोर एक्स माइनस वन हो जाएगा तो ये टू एक्स माइनस टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन फोर एक्स माइनस वन फिर सबको एक साइड ले जाए तो माइनस टू एक्स स्क्वायर माइनस वन और टू एक्स माइनस वन दोनों साइड स्क्वायर कर दें तो क्या आ जाएगा फोर एक्स स्क्वायर ये तो चार ही माइनस चार बराबर फोर एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस वन तो फोर एक्स फोर एक्स तो ये कट जाएगा हमारा एक्स का मान जो आ जाएगा वो कितना माइनस चार एक्स और माइनस पांच माइनस फोर एक्स इज इक्वल टू माइनस फाइव यानी एक्स का वैल्यू कितना फाइव बाई फोर एक्स का वैल्यू कितना फाइव बाई फोर आएगा बस यहां गलती आप मत करिएगा <coughs> यहां गलती क्या होगी कि एक सॉल्यूशन आपको दिख तो गया लेकिन ये जरूर ध्यान में रखिएगा ये चीज कि जब भी किसी इक्वेशन को स्क्वायर करके सॉल्व करते हैं समीकरण को हल करने के लिए दोनों तरफ अगर वर्ग कर देते हैं तो अगर दोनों तरफ वर्ग कर देते हैं तो जो सॉल्यूशन आएगा हमारा वो इक्वेशन में रख करके चेक जरूर करना पड़ता है इक्वेशन रूट्स किसी इक्वेशन का किसको कहते हैं आप ठीक द वैल्यू ऑफ वेरिएबल विच सेटिस्फाई द गिवन इक्वेशन आपके नियम कानून प्रोसेस कितना भी सही है उससे कोई लेना देना नहीं है अगर इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा तो वो सही माना जाएगा और सेटिस्फाई नहीं करेगा तो फिर वो सब कुछ सही रहते हुए भी गलत माना जाएगा तो x बराबर अगर पांच बटा चार यहां रखोगे तो पांच बटा चार प्लस एक पांच बटा चार माइनस एक और इधर पांच माइनस एक हमारा तो ये कितना आ जाएगा नौ no, यानी तीन बटा दो माइनस एक बटा दो बराबर दो नहीं होगा ना इधर एक आ जाएगा इधर दो आ जाएगा तो एक्स बराबर पांच चार आया जरूर है लेकिन एक्सेप्टेबल नहीं है नंबर ऑफ सॉल्यूशन इसके जीरो आएंगे नंबर ऑफ सॉल्यूशन जो आएगा वो जीरो आएगा हमारा पांच बटा चार आया है लेकिन यह हमारे किसी मतलब का नहीं है क्यों मतलब का नहीं है क्योंकि हमने सॉल्व करने के लिए बोथ साइड स्क्वायर किया था और एक बार क्या यहां तो दुद्दी बार भैया स्क्वायर कर लिए तो अगर किसी समीकरण को हल करने के लिए समीकरण को दोनों तरफ अगर आप वर्ग करते हो तो खाली x का मान निकाल करके आपका काम खत्म नहीं होता है x का मान जो निकालने पर आया है हमारा स्क्वायर करने पर उसको दिए गए समीकरण में संतुष्ट भी कराना अगर संतुष्ट करेगा तो वो एक्सेप्टेबल होगा संतुष्ट नहीं करेगा वो एक्सेप्टेबल नहीं होगा तो बराबर पांच बटा चार आया तो है लेकिन आकर के भी नहीं आया है। क्योंकि वो इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा क्लियर ये, ये छोटी सी गलती है जो एग्जाम में आप अक्सर कर डालते हैं क्योंकि एग्जाम में अलग टाइप का प्रेशर होता है एक्स का वैल्यू मिल गया ना ऑप्शन मिल गया आदमी बल्ले बल्ले हो जाता है तुरंत राजा बाबू बन जाता है इतनी खुशी उसकी हो जाती है एक क्वेश्चन तो साला एक बवाल तो खत्म हुआ अब कहा आगे करें एक्स का मान चाहिए मिल गया कहानी खत्म लेकिन वो उत्साह में भूल जाते हैं कि हमने इक्वेशन सॉल्व करने के लिए स्क्वायर किया है और स्क्वायर किया है तो हमें जांच कर लेना भी आवश्यक है नोट में कहीं चाहिए तो लिख दीजिए यदि समीकरण को हल करने के लिए समीकरण को दोनों तरफ वर्ग करते हैं तो अपने हल की जांच अवश्य कर लेनी चाहिए लिख भी लीजिए और दिमाग में बैठा भी लीजिए क्लियर है सबका इसमें क्या गुणा गणित है समझ गए सब लोग या कोई दिक्कत है जल्दीबाजी में इसका आंसर लोग एक लगा के चले आते हैं जल्दी से एक बार बताएं तो फिर अगले सवाल पे चलें जल्दी से बताएं तो फिर अगले सवाल की ओर चरा चला जाए क्या इसमें गुणागणित है ये क्लियर हो गया सबका तब फिर अगले सवाल की ओर बढ़ें जी सर क्लियर है। आगे यदि एबीसी विषम पूर्णांक है यदि एबीसी विषम पूर्णांक मतलब क्या ऑड इंटीजर है क्या है ये ऑड इंटीजर है हमारा तब ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो के निम्नलिखित में से कौन से मूल संभव है निम्नलिखित में से कौन से मूल संभव नहीं है संभव है नहीं संभव नहीं है काल्पनिक यानी इमेजनरी क्या कह रहा, रहा है यहां नॉन रियल कह रहा है यहां कह रहा, रहा है रियल कह रहा है यहां कह रहा है इरेशनल कह रहा है इरेशनल ठीक और यहां कह रहा रेशनल यहां कह रहा है रेशनल ठीक अगर एबीसी क्या हो विषम पूर्णांक हो A, B, क्या हो विषम पूर्णांक हो तो इनमें से कौन सा मूल संभव नहीं है मतलब क्या संभव नहीं है मतलब काल्पनिक मूल संभव नहीं है कि वास्तविक मूल संभव नहीं है कि अपरिमेय मूल संभव नहीं है कि परिमेय मूल संभव नहीं है क्या सही हो सकता है इसमें कौन सा इस समीकरण का मूल संभव नहीं है जल्दी बताइए देखिए थियोटिकल क्वेश्चन है कौन सा मूल संभव नहीं है इसका जल्दी बताएं देखें कौन बताते हैं यामिनी सिंह जी बी दूसरे का बी यामिनी सिंह जी डी बता रहे हैं योगेश कुमार मैथमेटिक बी बता रहे हैं रामचरण जी सी बता रहे हैं रामचरण जी सी सपना जी भी सी रूट्स क्या होता है माइनस बी माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी बाई टू ए होता है हमारा यही तो रूट होता है अब यहाँ अगर हम बात करें तो ए बी सी क्या कह रहा है ऑड नंबर है तो हो सकता है भाई क्यों नहीं हो सकता ए सी अगर वन रख दें और बी अगर तीन रख दें तो नौ माइनस चार क्या रेशनल आ सकता है भी आ सकता है काल्पनिक भी आ सकता है इसका मान एक रखें एक बी का मान एक रख दें का मान तीन रख दें बी का मान पांच रख दें तो इमेजनरी भी आ सकता है रियल भी आ सकता है हमारा वो तो एबीसी पे डिप करेगा हमारा ठीक तो इमेजनरी भी आ सकता है रियल भी आ सकता है इरेशनल भी आ सकता है रेशनल नहीं आ रहा रेशनल तो अगर मान लीजिए कंफ्यूजन तो ये दोनों तो खैर नहीं होगा अब परिमेय और अपरिमेय हमें क्या पता बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी परफेक्ट स्क्वायर होगा कि नहीं होगा परफेक्ट स्क्वायर होगा कि नहीं तो मान लिया एक बार एक्स का मान एम बाई एन मतलब मतलब जहां एम और एन क्या है इंटीजर है हमारा तो अब यहां अगर बात करें ये इसका रूट है तो ए एम स्क्वायर एन स्क्वायर प्लस फोर बी सॉरी बी एम बाई एन आ जाएगा और प्लस सी बराबर जीरो बराबर जीरो अब यहां अगर ये रेशनल नंबर है तो एम और एन दोनों ऑड हो सकता मतलब या तो एक बटा तीन ले लें दो बटा पांच ले लें सॉरी एक बटा तीन ले लें तीन बटा सात ले लें मतलब क्या हो सकता है अगर ये रेशनल लिए हैं, तो या तो एम और एन दोनों ऑड होगा या दोनों में से एक ऑड होगा एक इवन होगा अगर ऑड है तो ये भी ऑड का स्क्वायर ऑड ही ऑड इन टू ऑड भी क्या होता है इवन और इवन इन टू ऑड क्या इवन इन टू ऑड इवन ही आएगा हमारा तीन गुना होगा हमारा तो ये भी ऑड ये भी ऑड ये भी ऑड ठीक और तीन ऑड नंबर का सम जीरो कभी नहीं आएगा तीन ऑड नंबर का सम कभी जीरो नहीं आ सकता मतलब x का वैल्यू m बाई एन नहीं होगा एक m और n में से एक ऑड हो जाए एक इवन हो जाए मान लिया कि m ऑड है हमारा और n इवन है n क्या है इवन है हमारा तो इस केस में ये वाला ऑड होगा ये वाला इवन होगा और ये वाला भी क्या होगा इवन होगा तो इवन प्लस इवन प्लस ऑड इवन प्लस इवन प्लस ऑड भी क्या होता है ऑड ही होता है और ये जीरो कभी हो नहीं सकता है और तो कोई तीसरी संभावना ही नहीं है ठीक यानी कि एक्स बराबर एम बाई एन कोई रेशनल नंबर लेंगे तो वो इस इक्वेशन का रूट्स कभी पॉसिबल हो ही नहीं सकता है हमारा यानी कि आंसर क्या होगा डी होगा यानी कि आंसर जो होगा वो डी होगा हमारा समझ में आई बात थियोरिटिकल क्वेश्चन है आपका रेशनल भी इसका रूट हो सकता है सॉरी इरेशनल भी हो सकता है रियल भी हो सकता है और नॉन रियल यानी इमेजनरी भी हो सकता है लेकिन रियल में रेशनल इसका कभी रूट नहीं होगा यानी कि इसका जो आंसर होगा वो कौन सा वाला होगा डी वाला होगा हमारा समझे सब लोग या कोई दिक्कत है प्रवेश यादव जी हाँ बाद में तो सब डी बोलने लगे हैं जी सर क्लियर है सपना शर्मा जी तो क्लियर है तो जल्दी से एक बार लाइक कर दीजिए वन माइनस टू बी एक्स तथा x एक स्क्वायर प्लस एक्स ए स्क्वायर बराबर वन माइनस टू एक्स का एक मूल उभयनिष्ठ है मतलब इन दोनों में एक कॉमन मूल है इन दोनों का क्या है एक कॉमन रूट से है हमारा ठीक हाँ चला जाएगा चला जाएगा भाई एप में चला जाएगा क्लास परेशान बिल्कुल ना हो ये। में भी चला जाएगा क्लास ठीक ए बी के बराबर नहीं है तो इसमें से कौन सा होगा ए प्लस बी बराबर टू ए प्लस बी बराबर माइनस टू मॉड ऑफ ए माइनस बी बराबर टू ए माइनस बी बराबर प्लस माइनस वन हमारा कौन सा सही है अगर दो इक्वेशन दिया है इन दोनों का रूट्स जो है एक रूट कॉमन है एक रूट कॉमन है हमारा अरे इवन कैसे हो जाएगा मेरे भाई एक बार चेक कर लो ना चार बटा छे लिखोगे तो क्या होगा तीन बटा दो ना शॉर्टेस्ट फॉर्म रेशनल नंबर में लिखा जाता है ना छ बटा चार है इसका मतलब क्या तीन बटा दो हो जाएगा कोई कॉमन फैक्टर तो इवन है इसका मतलब दो कॉमन फैक्टर आ जाए अगर एम भी इवन एन भी इवन तो दो कॉमन फैक्टर होगा ना तो वो रेशनल वाला फॉर्म में याद करिए रेशनल नंबर का डेफिनेशन आपका कॉमन फैक्टर पी और क्यू में नहीं है ना तब ना शॉर्टेस्ट फॉर्म में आएगा रामचरण जी इसलिए दो ही केस बनेगा या तो एम और क्योंकि एम और एन दोनों इवन हो गया तो एम और एन में एक कॉमन फैक्टर तो टू कम से कम मिलेगा ही ना प्रभु इसलिए एम और एन दोनों इवन वाला केस नहीं लिया था नहीं लिया था चलिए जल्दी से इसका बताइए क्या होगा वहां रेशनल नंबर वाला भी तो डेफिनेशन काम करेगा तो एक रूट कॉमन है तो अगर हम यहां बात करें क्या है एक्स स्क्वायर प्लस टू बी एक्स प्लस बी स्क्वायर बराबर वन और एक्स स्क्वायर प्लस टू ए एक्स प्लस ए एक स्क्वायर बराबर वन घटा दें तो क्या मिलेगा टू सॉरी टू एक्स बी माइनस ए और प्लस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बराबर जीरो तो बी ए के बराबर है नहीं तो एक्स का मान क्या मिल जाएगा माइनस बी प्लस ए बाई टू तो एक्स बराबर माइनस बी बाई टू है दोनों में कॉमन है हमारा तो इसको हम क्या लिख सकते हैं एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर वन यानी माइनस बी प्लस ए बाई टू प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर वन यानी बी माइनस ए का होल स्क्वायर बराबर टू हमारा क्या बराबर टू ना सॉरी फोर आ जाएगा कितना आ जाएगा फोर तो मोड ऑफ बी माइनस जो होगा वो टू के बराबर मॉड ऑफ बी माइनस ए लिखें चाहे मॉड ऑफ ए माइनस बी लिखें चाहे मॉड ऑफ ए माइनस बी लिखा जाए चाहे मॉड ऑफ बी माइनस ए लिखा जाए, जाए। मॉड लगा है तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा क्योंकि बी माइनस ए का होल स्क्वायर आया है तो चाहे हम ए माइनस बी का होल स्क्वायर करें चाहे बी माइनस होल का होल स्क्वायर करें तो ऑप्शन नंबर सी तीसरे का क्या होगा ऑप्शन नंबर सी आएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो करेक्ट आंसर है सी <coughs> अब सब सही है पहले तो तीसरे प्रवेश यादव जी बी अनिश जी बी ठाकुर अनिरुद्ध सिंह डी सपना शर्मा बी संदीप अस्थाना बी जननायक राहुल गांधी जी ए सी सी नंबर ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट आंसर है ठीक क्लियर है समझ गए क्यों गलती हुआ सबका क्यों गलती हुआ सबका चलिए अगले सवाल की ओर बढ़े चौथा यदि a प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस टू बी सी प्लस ए डी एक्स प्लस सी स्क्वायर डी स्क्वायर जीरो के मूल समान हो इसके रूट्स क्या हो इक्वल हो

कौन सा रिलेशन होगा ये आपको बताना है इनमें से कौन सा रिलेशन सही है ये आपको बताना है जल्दी से एक बार बताइए जल्दी से एक बार बताएं देखें कौन लोग बताते हैं इतना भी मान लीजिए जो अभी मार्केट उतार पे है जो अभी रेगुलर क्लास करता रहेगा ठीक जब मार्केट चढ़ेगा तो फायदा उसी को होगा मुद्रा वही कमा पाएगा ठीक अभी जो सब बेस्ट आ रहे ठीक है अभी एग्जाम का डेट का था पता क्या है अभी चुनावी माहौल में रमे रहे हम थी? तो उनको साथ समस्या आएगी ए नंबर लक्ष्मी चौहान जी ए पता नहीं क्या है क्या होता मूल समान होने के लिए डिस्क्रिमिनेंट जो होना चाहिए वो परफेक्ट स्क्वायर तो बी स्क्वायर मतलब फोर बी सी प्लस ए डी का होल स्क्वायर माइनस फोर ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बराबर कितना जीरो हमारा तो चार चार तो खत्म हो जाएगा बी स्क्वायर सी स्क्वायर ए स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस टू ए बी सी डी और माइनस ए स्क्वायर सी स्क्वायर ए स्क्वायर डी स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर और बी स्क्वायर डी स्क्वायर बराबर क्या जीरो तो कुछ कट पिट रहा है क्या कट जाएगा बी स्क्वायर सी स्क्वायर है तो इससे ये कट जाएगा ए स्क्वायर डी स्क्वायर है तो इससे ये कट जाएगा हमारा तो बचेगा क्या हमारा माइनस ए स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस टू ए बी सी डी बराबर जीरो या ए सी का होल स्क्वायर बी डी का होल स्क्वायर माइनस टू ए बी सी डी बराबर जीरो यानी ए सी माइनस बी डी का होल स्क्वायर बराबर जीरो हमारा तो बराबर मतलब क्या आ गया ए सी बराबर बी डी आ गया ए सी बराबर कितना बी डी मतलब क्या लिख सकते हैं ए बाई डी बराबर बी बाई सी ए डी बराबर बी बाई सी यानी ऑप्शन नंबर सी चौथे का जो होगा ऑप्शन नंबर सी होगा ए कैसे आ गया तेज प्रताप जी कहीं कैलकुलेशन में लोचा कर दिए ए सी माइनस बी डी तो ए सी माइनस बी डी इसी में तो आएगा तो ऑप्शन नंबर जो आएगा वो क्या आएगा सी वाला सही है ना कि ए वाला सही है हाँ अब सब सही है अब सब सी बता रहे हैं एकदम सी सही है ऑप्शन नंबर सी क्लियर है सबका कोई डाउट किसी को हो जल्दी से बताएं कोई डाउट यदि किसी को हो तो जल्दी से बताएं नहीं तो फिर आगे चलें आगे चलने की आज्ञा दीजिए ठीक पांचवा यदि टेन थीटा और सेक थीटा समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो के मूल है इस इक्वेशन का रूट्स थीटा थीटा और थीटा है से तो से कौन सा रिलेशन सही है? तो इन में से कौन सा सा रिलेशन रिलेशन सही तो फोर माइनस बी पर पावर फोर फिर बी स्क्वायर ए सी जीरो माइनस बी क्यू बराबर जीरो माइनस बी क्यू बराबर जीरो कौन सा सही होगा अगर थीटा सेक थीटा इसका रूट्स है तो इन चारों ऑप्शन में से कौन सा सही होगा कौन सा सही होगा हमारा तो सम ऑफ रूट्स, यानी कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा जो होगा वो माइनस बाई ए होगा और सेक प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, सेक थीटा इंटू टेन थीटा जो होगा वो सी बाई होगा हमारा अब इसमें से थीटा को एलिमिनेट करना है थीटा को थीटा को जब हटाएंगे तभी तो हमें ए और बी सी में रिलेशन मिलेगा तो ये बताइए ये तो हम लोग जानते ही हैं सेक स्क्वायर सेक माइनस थीटा सेक थीटा माइनस टेन थीटा अपॉन वन सेक थीटा प्लस टेन थीटा होता है हमारा तो इसका मतलब सेक थीटा 10 थीटा को हम क्या लिख सकते हैं माइनस ए बाय बी लिखा जा सकता है इसी को पलट दिया हमने इसी को क्या कर दिया पलट दिया अब पहले और तीसरे को जोड़ दिया जाए तो 10 थीटा 10 थीटा कट जाएगा 2 सेक थीटा बराबर माइनस बी बाय ए माइनस ए बाय बी यानी कि माइनस स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए बी माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए बी और इसी में अगर हम तीसरे में से पहले को घटा देते तीसरे में से पहले को घटा देते तो सेक्स थीटा सेटा थीटा कट जाता टू टेन थीटा आ जाता हमारा तो माइनस बी बाई ए प्लस ए बाई बी आ जाता तो, तो माइनस थीटा, थीटा भी इसकी वैल्यू दूसरे में रख दें तो क्या आ जाएगा माइनस सेक थीटा कितना आया है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन टू ए बी और टेन थीटा कितना आया है माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन टू ए बी बराबर सी बाई है तो ये दोनों जब गुणा होगा तो पावर फोर में ही आ सकता है तीन पावर तो आएगा नहीं दो पावर तो आएगा नहीं पावर फोर वाला एक ही तो है अगर एक से ज्यादा भी है तो पूरा मल्टीप्लाई कर लेते पूरा लेकिन अब मल्टीप्लाई करके देखने का जरूरत है इतना तो पता है ना ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करेंगे तो पावर चार में ही आएगा पावर चार का बस यही एक ऑप्शन दिख रहा है पावर चार का बस यही एक ऑप्शन देख रहा है और कोई ऑप्शन दिख ही नहीं रहा हमारा तो सी वाला होगा पांचवे का ऑप्शन नंबर सी होगा वही सही होगा हमारा ठीक है हाँ सही तो सब बताए हैं माइंड पावर सीवी जी सिंह विवेक पाठक ठाकुर अनिरुद्ध सिंह सपना शर्मा वैभव यादव ब्रिजेश कुमार जी अमरजीत वर्मा अरे वाह दिल खुश कर दिया सबने भाई एकदम सबका सही है इस बार इस बार सबका सही है Very good. कभी चलो इस क्षण का मैं भी आनंद ले लू भाई बिलोंग्स टू रियल नंबर है b हमारा c से कम है b हमारा c से कम है तो x स्क्वायर माइनस बी सी अपॉन टू एक्स माइनस बी सी का मान निम्नलिखित में से क्या होगा किस अंतराल में नहीं होगा निम्नलिखित में से किस अंतराल में नहीं होगा मतलब इसकी वैल्यू इसमें से किस इंटरवल में नहीं होगा माइनस इंफिटिव से बी तक नहीं होगा या सी से इनिटिव तक नहीं होगा या बी और सी के बीच में नहीं होगा या माइनस सी माइनस बी के बीच में नहीं होगा क्या बताना है इसका जल्दी से ध्यान रखिएगा ये बड़ा परेशान करता है एग्जाम में नहीं दिया है क्या होगा ये नहीं पूछ रहा है. क्या नहीं होगा ये पूछ रहा, क्या नहीं, ये पूछ रहा क्या नहीं होगा ये पूछा जा रहा है आपसे तो देखें कौन बताते हैं भाई देखें छठे नंबर का कौन बताते हैं सही सही ओहो तो इसका मतलब कुल मिला के रेंज चाहिए हमारा तो मान लिया वाई बराबर कितना एक्स स्क्वायर माइनस बी सी अपॉन यार y बराबर एक्स स्क्वायर माइनस बी सी अपॉन टू एक्स माइनस बी प्लस सी यानी टू एक्स वाई माइनस बी प्लस सी वाई बराबर एक्स स्क्वायर माइनस बी सी सबको एक साइड ले जाए सबको अगर हम एक साइड ले जाए तो एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स वाई प्लस बी प्लस सी वाई और माइनस बी सी बराबर जीरो माइनस बी सी बराबर जीरो हमारा ये चीज आया ये चीज आया ना हमारा अब ये किस फॉर्म में बन गया है अब ये बन गया है क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्वाड्रेटिक, एक्स क्या कह रहा है रियल कह रहा है एक्स के फॉर्म में द्विघात समीकरण है और एक्स क्या दिया है वास्तविक संख्या तो किसी भी द्विघात समीकरण में एक्स वास्तविक कब आएगा जब इसका विवेतकर विवेचक यानी डिस्क्रिमिनेंट क्या हो ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो तो इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या हो जाएगा फोर वाई स्क्वायर माइनस फोर बी सी बीसी प्लस वाई माइनस बी सी फोर वाई स्क्वायर माइनस फोर बी प्लस सी वाई माइनस कितना है माइनस बी सी है ना माइनस बी सी माइनस बी सी ये क्या होना चाहिए ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो तो चार चार तो खत्म ही वाई स्क्वायर माइनस बी प्लस सी वाई प्लस बी सी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो करेंगे तो वाई माइनस बी वाई माइनस सी ग्रेटर टू जीरो आएगा हमारा अब नंबर लाइन पे जब लेंगे उम्मीद करते हैं साइन स्कीम याद होगा बहुत क्लास पढ़ाए साइन स्कीम छोटा कौन है बी छोटा है सी बड़ा है तो बी पहले होगा c बाद में होगा इधर प्लस इधर माइनस इधर प्लस चाहिए क्या हमें पॉजिटिव ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो वाला तो इसके बराबर या इससे ज्यादा होगा इसके बराबर या इससे कम मतलब वाई का मान बी के बराबर या बी से कम और सी के बराबर या उससे ज्यादा ठीक ये वाई है लेकिन हमसे पूछ क्या लिया उल्टा हमसे पूछा क्या है उल्टा किसके बीच नहीं होगा किसके बीच तो आया क्या है बी या बी से कम सी या सी से छोटा इसका मतलब यही वाला पार्ट तो नहीं है तो ये वाला पार्ट इसमें नहीं होगा हमारा मतलब वाई का मान बी से सी के बीच में नहीं आ सकता है वाई मान बी से सी के बीच में नहीं आएगा हमारा <coughs> हाँ बाद में तो सब सही है पहले सब इधर उधर लोचा कर दिए थे क्लियर है आई बात समझ में इस तरह का कोई भी रेंज है तो उसको क्वाड्रेटिक बना लीजिए गुणा भाग करके जैसे क्वाड्रेटिक बना लीजिए और क्वाड्रेटिक में करके क्या वाई की पॉसिबल वैल्यू ही तो निकालनी है तो उसके डिस्क्रिमिनेंट को विवेक को जीरो या जीरो से ज्यादा कर दीजिए साइन स्कीम से आपका वाई का मान सामने आ जाएगा तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही है इसमें वाई का मान मतलब इस एक्सप्रेशन की वैल्यू बी से सी के बीच में नहीं होगा क्यों नहीं होगा वो समझ गए अनिश जी ने बी बोला है गलत पॉजिट्रोन इंस्टीट्यूट डी बोले हैं गलत संदीप अस्थाना जी गलत ठाकुर अनिरुद्ध सिंह जी तो क्लियर है अच्छा अब तो सी सब बोलवे करेंगे अब तो सब सी ही आएगा बस उसके पहले बी डी ए सब बोल रहे थे कुछ लोग सी भी बोले थे कुछ लोग सी भी बोले थे क्लियर है कोई डाउट किसी को जल्दी से बताएं समझ गए सब लोग या कोई समस्या है प्लीज जल्दी से बताया जाए प्लीज जल्दी से बताएं तो फिर आगे चलें जल्दी से बताया जाए तो आगे चलें हो जल्दी से आप लोग लाइक भी बढ़ाते रहें भाई वो कम होता फिर मजा नहीं आता है जल्दी से बताएं भाई आदेश करें तो फिर आगे चलें चंद्राभूषण जी क्लियर है यस सर समझ गए विवेक पाठक जी भी समझ गए धन्यवाद भाई समझने के लिए यदि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो के मूलों का योग इसके प्रतिलोम के वर्गों के योग के बराबर हो प्रतिलोम के वर्गों के योग के बराबर हो तो ए बाई सी बी बाई ए सी बाई बी किसमें होगा एपी में होगा जी पी में होगा एच पी में, में होगा या इनमें से कोई नहीं होगा मतलब कह रहा कि अल्फा प्लस बीटा बराबर वन बाई अल्फा स्क्वायर वन बाई बीटा स्क्वायर इस समीकरण के मूलों का योगफल जो है उसके क्या मूलों के व्युत्क्रम मूलों के या प्रतिलोम जो भी कर लें प्रतिलोम के वर्गों के योगफल के बराबर हो मतलब मूल अगर अल्फा बीटा मान रहे हैं तो अल्फा प्लस बीटा जो हो वन बाई अल्फा स्क्वायर प्लस वन बाई बीटा स्क्वायर के बराबर है तो ए बाई सी कॉमा बी बाई ए कॉमा सी बाई बी किसमें है ये पूछ रहा है किसमें है ये पूछा जा रहा है हमारा तो छठे का तो सी है अब सातवें पे मामला पहुंच गया सातवें का बताइए सातवें का क्या है छठे <tles> <dos. tles rolling noise> का तो सी सही था सातवें का क्या है देखे कौन कितना तेजी से बताते हैं एपी में होगा कि जीपी में होगा कि एचपी में होगा कि तीनों में से किसी में नहीं है या तीनों में से किसी में नहीं है जल्दी से एक बार बता दें हो यामी सिंह जी ए बता रहे हैं यामिनी सिंह जी ने ए बताया है बाकी लोग भी बता दें भाई रामचरण जी ने सी बताया है तो अल्फा प्लस बीटा देख लेते हैं भाई किसमें है चेक करना पड़ेगा आएगा तो नहीं ऐसे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अल्फ अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर तो अल्फा प्लस बीटा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस टू अल्फा बीटा अल्फा बीटा का होल स्क्वायर यहाँ रख देंगे तो अल्फा प्लस बीटा कितना माइनस बी बाई ए इधर कितना आ जाएगा बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर अल्फा इंटू बीटा सी ए और सी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर मतलब ये क्या मिल जाएगा माइनस बी बाई ए बी स्क्वायर माइनस टू ए सी अपॉन ए, ए स्क्वायर सी स्क्वायर ए क्या मिल जाएगा सी स्क्वायर ए तो ए से ये भी कट जाएगा हमारा कुछ गलत हो रहा है क्या अच्छा जगह कम पड़ गई है यार तो थोड़ा सा इधर ले ले क्या मिला है हमें अल्फा प्लस बीटा बराबर अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस टू अल्फा बीटा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए अल्फा इन बीटा सी बाई ए तो ये हो जाएगा माइनस बी बाई स्क्वायर बाई ए स्क्वायर यानी माइनस बी बाई ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस टू सी ए और सी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर तो ए स्क्वायर ए स्क्वायर तो कट जाएगा हमारा बचा कितना माइनस बी सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर बराबर माइनस टू ए स्क्वायर सी यानी टू ए स्क्वायर सी बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इस तरह से केस आया इस तरह से इसका मतलब क्या इसका दुगना इन दोनों के बराबर है यानी क्या हो जाएगा बी सी स्क्वायर कॉमा ए स्क्वायर सी कॉमा ab स्क्वायर जो होगा वो ap में होगा क्या होगा क्योंकि इन दोनों का सम इसके दुगने के बराबर है तो ये तीनों ap में अगर abc से डिवाइड कर दें तो bc स्क्वायर बाय abc a स्क्वायर c बाय abc और ab स्क्वायर बाय abc ये भी तो ap में ही होगा क्योंकि ap के टर्म्स को डिवाइड करने सेम नंबर से डिवाइड करने से कोई फर्क नहीं पड़ता है हमारा तो क्या आ गया यहां आ, सी से कट जाएगा बी भी कट जाएगा सी बाई ए यहां सी से सी कट जाएगा ए से ए कट जाएगा ए बाई बी और यहां बी से बी ए कटा बी बाई सी ये किसमें है एपी में है पूछ क्या रहा है पूछ क्या रहा अच्छा उल्टा पर आया क्या है अच्छा ए बाई सी पूछ रहा है उल्टा तो उल्टा तो एच पी में होगा ना यानी ए बाई सी बी बाई ए और सी बाई बी जो होगा वो एच पी में होगा क्या होगा ये एच पी में होगा हमारा तो ऑप्शन नंबर सी क्योंकि आया था सी बाई ए लेकिन यहां दिया क्या है ए बाई सी दिया क्या है ए बाई सी दिया है तो कौन सा सी नंबर सही होगा ऑप्शन नंबर सी ना कि किए एक बार देख लीजिए सब लोग तो फिर बताइए कहीं कोई तकलीफ हो तो छोटा मैं कर दे रहा हूं थोड़ा सा कैलकुलेटिव है इसके बिना कोई उपाय भी नहीं था इसके बिना कोई उपाय भी नहीं था एक बार देख लीजिए कहीं डाउट है तो पूछ लीजिए तो सी नंबर है हरात्मक श्रेणी में होगा हारमोनिक प्रोग्रेशन में है। क्योंकि जो आया है उसका उल्टा पूछ रहा है सी बाई ए आया था लेकिन पूछ दिया था ए बाई सी तो एपी का रेसिप्रोकल तो एचपी होना है हमारा तो ऑप्शन नंबर सी आएगा सीवी जी गलत माइंड पावर गलत चंद्रभूषण जी गलत ठाकुर अनिरुद्ध सिंह सही संदीप जी गलत माइंड पावर लगता है ए बी डी सब बता दिए तो चारों में ससुरा कोई ना कोई तो सही होगा ही होगा एक बार ए करो एक बार बी करो एक बार सी करो एक बार डी करो एक कमेंट तो सही होगा ही होगा कोई ना कोई तो एक सही होना ही होना है विवेक पांडे चलिए अगले की बात करें पी ऑफ एक्स बराबर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी क्यू ऑफ एक्स बराबर माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स प्लस सी ए सी जो है वो जीरो के बराबर नहीं है ए सी जो है वो जीरो के बराबर नहीं है तो पी ऑफ एक्स इंटू क्यू ऑफ एक्स जीरो में कम से कम तीन वास्तविक मूल कम से कम कितना कह रहा है थ्री रियल रूट मतलब क्या कह रहा एटलीस्ट एटलीस्ट थ्री रियल रूट्स एटलीस्ट थ्री रियल रूट थ्री रियल रूट्स दूसरे में कह रहा है नो रियल रूट्स नो रियल रूट हमारा तीसरे में कह रहा है एटलीस्ट एटलीस्ट टू रियल रूट्स टू रियल रूट हमारा और इसमें कह रहा है टू रियल टू रियल एंड टू इमेजनरी टू इमेजनरी टू इमेजनरी रूट हमारा कौन सा सही होगा ठीक पी ऑफ एक्स हमारा इस, ये है क्यू ऑफ एक्स हमारा ये है तो पी ऑफ एक्स इंटू क्यू ऑफ एक्स बराबर जीरो में क्या होगा कम से कम तीन वास्तविक मूल कोई वास्तविक मूल नहीं कम से कम दो वास्तविक मूल और दो वास्तविक एवं दो काल्पनिक मूल रवि सोनी जी बी बोल रहे हैं और लोग भी जल्दी से बताइए और लोग भी जल्दी से बताएं। देखें कौन कितना जल्दी बताते हैं थियोरिटिकल क्वेश्चन है से दो सेकेंड का है पुष्पेंदर जी भी बी बोल रहे हैं रामचरण का है भैया सी साफ साफ तो दिख रहा है प्रभु ऐसे सवाल भी गलत करेंगे तो कैसे काम चलेगा अरे या तो P of X पी ऑफ एक्स बराबर पी ऑफ एक्स इंटू क्यू ऑफ एक्स या तो पी ऑफ एक्स बराबर जीरो या तो क्यू ऑफ एक्स बराबर जीरो बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी और इसका डिस्क्रिमिनेंट डी स्क्वायर प्लस फोर एसी ए सी जीरो के बराबर तो है नहीं तो एसी या तो प्लस या तो माइनस होगा कुछ ना कुछ तो होगा मेरे भाई तो अगर ए सी मान लो माइनस में आ गया एसी माइनस में तो इसका मतलब ए सी अगर माइनस में है तो ये तो पॉजिटिव होगा ही होगा ये पॉजिटिव होगा कि नहीं निगेटिव होगा हमको ना पता दो पॉजिटिव नंबर का सम तो पॉजिटिव होता ये तो जानते हैं हां दो पॉजिटिव नंबर का डिफरेंस पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव भी हो सकता है तो अगर एसी निगेटिव हुआ तो ये वाला पॉजिटिव होगा तय है इसका हमें पता नहीं है प्लस में भी हो सकता है माइनस में भी और एसी अगर अगर पॉजिटिव पॉजिटिव हो हो गया हो गया तो ये तो ये तय है कि पॉजिटिव ही होगा इसका हमें पता नहीं इसका हमें पता नहीं है इसका मतलब पॉजिटिव भी हो सकता है निगेटिव भी हो सकता हमारा तो दोनों में से कम से कम एक तो पॉजिटिव हंड्रेड परसेंट होगा ठीक दोनों के दोनों नेगेटिव आ नहीं सकते हैं ठीक दोनों के दोनों इसका मतलब कम से कम दो पॉजिटिव रियल रूट्स तो, तो, तो सॉरी कम से कम दो वास्तविक मूल तो होगा ही होगा हमारा ठीक चारों के चारों इमेजनरी नहीं हो सकते हैं दो पॉजिटिव हो जाए दो दो रियल हो जाए दो इमेजनरी हो जाए वो हो जाएगा हो सकता है चारों के चारों रियल भी हो सकते हैं लेकिन चारों के चारों इमेजनरी नहीं हो सकते आई तो खैर ऐसे गलत है हमारा तीन कहां से आ जाएगा भाई जब क्वाड्रेटिक है ठीक तो आठ में समझे सब कैलकुलेशन कुछ नहीं करना था थियोरिटिकल क्वेश्चन दिमागी कसरत वाला सवाल था आपका दिमागी कसरत वाला सवाल है कैलकुलेशन नाम की कोई चीज इसमें थी नहीं समझ में आया हाँ अब तो सब सी बताइए करेंगे भाई बताने के बाद तो सब सी बता ही देते हैं उसके बाद तो फिर क्लियर है समझ में आया कॉन्सेप्ट या डाउट है जल्दी से एक बार बताए कॉन्सेप्ट समझ गए ठाकुर अनिरुद्ध सिंह जी विवेक पाठक जी क्लियर है अरे बाप चले अगले सवाल की ओर बढ़े एक्स स्क्वायर माइनस इलेवन एक्स प्लस ए तथा एक्स स्क्वायर माइनस फोर्टीन एक्स प्लस टू ए के एक उभयनिष्ठ मूल गुणनफल है ठीक <coughs> मतलब इन दोनों का एक कोई कॉमन फैक्टर है इन दोनों का कोई एक कॉमन फैक्टर है हमारा तो ए की वैल्यू क्या होगी जीरो वन थ्री टू जीरो ट्वेंटी फोर या इनमें से कोई नहीं दो पॉलिनोमियल दो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन दिया है इसमें से कह रहा एक मूल हमारा क्या है कॉमन है एक रूट जो है वो कॉमन है हमारा ठीक तो फिर आपका पूछ रहा है ए की वैल्यू इसमें क्या होगी का वैल्यू क्या होगा ये आपको बताना है जल्दी से एक बार बताएं सेंटी गर्ल ओ हेलो सर देखो भाई सेंटी गर्ल से हमको बड़ा डर लगता है भाई पहले दुआ नवाद हेलो हाय सेंटी गर्ल क्षमा करें यहां जय हिंद चलता है हेलो ना चलता है तो आगे कुछ सुनना चाहते हैं पहले जय हिंद लिखिए उसके बाद कुछ हम लोग बात करेंगे आगे नाम में ही सेंटी है तो भाई इसे तेज प्रताप जी सी नंबर ठीक ही होगा सेंटीगल हाँ तो ओरिजिनल नाम से आइए ऐसा ऐसा नाम मत रखिए कितना था डांट डांट के पहले ओबामा जी क्लास करते थे पुतिन साहब क्लास करते थे और एक तो साउथ कोरिया वाले कौन बिन चुंग चांग कौन था वो भी ऐसा ऐसा आईडी बना लेते हैं डर लग, डर लगने लगता है भूत भी करते थे ऐसे सेंटीगर नाम तो आपका कुछ भी हो ओरिजिनल काम आपका सही है ऑप्शन सही आपने दिया है वेरी गुड आंसर आपका सही है इतना समझाते हैं तीन लोगों से झूठ ना बोला जाता डॉक्टर वकील और टीचर ठीक सी सही है हाँ अब जय हिंद हाँ अब बताइए अब आप बताइए तब हम आपसे बात करेंगे चलिए हाँ तो कॉमन फैक्टर मतलब सीधा सीधा इसका एक कॉमन रूट्स है तो कॉमन रूट्स एक कॉमन रूट्स के लिए क्या बताए थे साइमल्टेनियसली इसको सॉल्व कर लेंगे एक्स स्क्वायर माइनस इलेवन एक्स प्लस ए बराबर जीरो एक्स स्क्वायर माइनस फोर्टीन एक्स प्लस टू ए जीरो तो सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर बटे क्या आ जाएगा ग्यारह माइनस बाईस ए और प्लस चौदह ए और एक्स बराबर जब करेंगे तो कितना आ जाएगा ए ए इंटू वन ए ही हमारा और माइनस टू ए ए और माइनस टू उल्टा चलते हैं और वन अपॉन करेंगे तो क्या आ जाएगा माइनस चौदह और प्लस ग्यारह हमारा यानी एक्स स्क्वायर का वैल्यू कितना आएगा माइनस एट है ना माइनस एटे बाई माइनस थ्री यानी एटे बाई थ्री और एक्स की वैल्यू जो आ जाएगी वो माइनस ए बाई माइनस थ्री यानी ए बाई थ्री रख दें एक्स की वैल्यू यहां से तो ए स्क्वायर बाई नाइन इज इक्वल टू एटे बाई थ्री यानी तीन तीन या नौ ए स्क्वायर बराबर कितना चौबीस है ठीक तो ए कॉमन ले लें ए माइनस ट्वेंटी फोर बराबर जीरो ए की वैल्यू जीरो और ट्वेंटी फोर ए की वैल्यू जीरो और ट्वेंटी फोर हमारा <coughs> सुमित जी पहले बी एड कर लीजिए जैसे कुछ फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे आप तो एमएससी से पहले हमेशा बी एड कर अगर टीचिंग फील्ड में जाना अगर टीचिंग फील्ड में जाना है तो एमएससी से पहले आप बीएड कीजिए उसके बाद एमएससी कीजिएगा ठीक है क्लासेस टाइमिंग 6 पीएम टू 9 पीएम नाइन लास्ट क्वेश्चन असमिका यानी कि इन इक्वलिटी असमिका एक्स प्लस वन ग्रेटर देन रूट एक्स प्लस थ्री का सॉल्यूशन क्या होगा एक्स सच दैट एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस वन लेस देन इक्वल टू माइनस थ्री सेकेंड एक्स सच दैट एक्स इज ग्रेटर देन वन एक्स सच दैट एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस टू लेस सॉरी माइनस थ्री लेस इक्वल टू माइनस टू एंड डी नन ऑफ दिस बताइए क्वेश्चन नंबर टेंथ क्वेश्चन नंबर टेंथ क्या होगा जल्दी से बताए क्वेश्चन नंबर टेंथ कोई बताएंगे टेंथ वाला क्वेश्चन नंबर टेंथ बी नंबर सॉल्व कर दोनों साइड स्क्वायर कर दें तो एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस वन और बराबर एक्स प्लस तीन तो एक्स मतलब इसको क्या करते हैं एक्स प्लस वन माइनस रूट एक्स प्लस थ्री ग्रेटर देन जीरो चाहिए तो इन इक्वलिटी सॉल्व करने के लिए पहले इक्वल ही तो करेंगे हम लोग तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस टू इज इक्वल टू जीरो तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी x की वैल्यू मतलब x एक्स माइनस अच्छा प्लस x, x, x सॉरी सॉरी गलती कर दिया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस टू जीरो प्लस टू एक्स माइनस एक्स माइनस टू जीरो एक्स कॉमन लिया एक्स प्लस टू माइनस वन कॉमन लिया एक्स प्लस टू एक्स माइनस वन इंटू एक्स प्लस टू बराबर जीरो तो एक्स की वैल्यू हमें वन मिला और माइनस टू मिला ठीक माइनस टू तो माइनस टू तो हम ले ही नहीं सकते हैं क्योंकि अगर x प्लस वन बराबर रूट एक्स प्लस थ्री करेंगे तो माइनस टू रखेंगे तो x बराबर माइनस टू पे ये माइनस वन आ जाएगा और रूट कभी नेगेटिव होता नहीं है अभी तुरंत समझाए थे कभी भी किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप अगर स्क्वायर करके करते हो तो चेक जरूर करेंगे ठीक तो सॉल्यूशन में आया जरूर वन और माइनस टू है लेकिन माइनस टू एक्सेप्टेबल नहीं होगा क्योंकि माइनस टू इस इन इसको सेटिस्फाई ही नहीं कर रहा तो रूट्स केवल क्या आया वन आया हमारा अब कोई नंबर रख के देख लें दो रख के देख लें तो दो एक तीन और तीन दो पांच पॉजिटिव ही आएगा हमें भी चाहिए क्या पॉजिटिव ही चाहिए तो आंसर क्या होगा वन से इन्फिनेटिव ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन नंबर बी डी नहीं बी आएगा भाई ब्रिज मोहन जी डी बोल रहे हैं धर्मेंद्र गौतम डी बोल रहे हैं काहे का डी बी माइनस टू नहीं होगा सॉल्यूशन माइनस टू कैसे ले लोगे मेरे भाई इक्वेशन इसको इसको नहीं था ओरिजिनल इक्वेशन ये है हमारा तो अगर माइनस टू यहां रखोगे तो इधर माइनस वन आ जाएगा और यहां रखेंगे तो ये वन आ जाएगा तो क्या माइनस वन कभी वन के बराबर होगा अभी तुरंत एक सवाल में हमने समझाया था बस वही बात है शिकारी आएगा दाना डालेगा जाल बिछाएगा जाल में मत फंसना अभी सबसे पहला सवाल भी इसी से रिलेटेड था आखिरी सवाल फिर वैसे ही दिए लेकिन फिर वही गलती फिर वही गलती एकदम दिमाग में एकदम बैठा लीजिए अंदर तक अगर किसी समीकरण को हल करने के लिए दोनों तरफ आप वर्ग करते हो तो हमेशा अपने हल की जांच अवश्य कर लेंगे एकदम मंत्र के जैसा दो चार दस बीस जगह कॉपी में लिख लीजिए हर बार एक आध सवाल ये गलत कराता है हर बार एक आध सवाल ये गलत जरूर कराता है आपका चले क्लियर है सबका अरे बाब देखा टारगेट स्टडी क्लासेस दसवा का ए हे भगवान हे भगवान माइनस तीन के तो पता भी नहीं है भाई टारगेट स्टडी क्लास आपकी फिर वही दशा है मतलब तो कल भी लाइव ही रहेगा यूट्यूब पे ही चला बढ़िया बा वैल्यू पुट करने के बाद ऑप्शन हाँ वैल्यू भी पुट करते रहिए भाई चलें चलें फिर आगे चला जाए हाँ हाँ एकदम वैल्यू पुट करके भी कर लीजिए भाई लेकिन हम तो पूरा नियम कानून भी बता देंगे ना भाई चलिए तो कल भी हम लोग इसे करेंगे कल भी शेड्यूल यही रहेगा छ से सात आपका पैरा बोला सात से आठ डिटर्मिनेंट मैट्रिसेस और आठ से नौ इसी का आपका दस कदम कल भी क्लासेस आपकी यूट्यूब पे ही रहेगी कल भी क्लास यूट्यूब पे ही आपकी रहेगी ऐप में कमेंट सेक्शन में थोड़ी सी अगर ठीक चलिए तो जय हिंद जय भारत कल फिर मिलते हैं अपना ख्याल रखिए और जम करके पढ़ते रहिए बाकी किसी को आपको आपके परिचित को किसी को एडमिशन लेना है तो सिक्स थ्री एट सेवन अरे यार। ये तो हम अपना पर्सनल नंबर देने लगे हैं भगवान हाय है भगवान क्या है छियानवे अट्ठाईस पंचानवे बिरानवे सैतीस पे व्हाट्सअप करना है या कॉल करना है छियानवे अट्ठाइस पंचानवे बिर क्या है पंचानवे बिरानवे सैंतीस पे चलो फार्मूल याद हो जाता है नंबर हम अक्सर है भूल जाते हैं चलिए जय हिंद जय भारत कल फिर मिलते हैं पसंद करे जाते जाते लाइक जरूर कर दीजिएगा मन करिएगा शेयर भी कर लीजिएगा और साथ ही साथ शॉर्ट मंत्रा जितना भी जा रहा है बहुत ठीक उसकी प्रैक्टिस आप जरूर करेंगे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट फार्मूला कॉन्सेप्ट आपको वहां ट्रिक बताया जा रहा तो उसको आप जरूर करेंगे उसे आप जरूर से ज्वाइन करेंगे